हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल सेवियर्स एजुकेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 9 पोएट्री सेक्शन एंड द टाइटल ऑफ टुडेज पोएट्री इज विंड। आज अपन कक्षा 9 के बारे में बात करेंगे, जिसमें पोएट्री सेक्शन की बात करेंगे। और आज की जो पोएम है उसका टाइटल है अपना विंड। प्रोज सेक्शन जो है उसके सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल रखे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज अपन बात करने जा रहे हैं अपने इस पोएम की, जिसका कि टाइटल है द विंड। और विंड का मतलब आपको पता ही है कि भाई तेज हवा का झोंका। तो ये जो पोएम है ये ओरिजिनली जो है तमिल में लिखी गई थी और उसके बाद इसका इंग्लिश ट्रांसलेट किया गया है। और इसमें जो है किस प्रकार से जो है कि हवा का तेज झोंका जो है अपने साथ बहा कर ले जाता है और किस किस प्रकार से जो है वो डिस्ट्रक्शन यानी विनाश करता है, तो इसके बारे में बताया गया है। और किस प्रकार से किन चीज़ों को विनाश करता है, तो इसमें एक बहुत ही डीप मीनिंग है। तो ये जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। अब देखो द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शंस। अब ये कह रहा है जो विंड है, जो तेज हवा है, वो चलती है बड़ी तेजी से और अपने साथ बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस यानी विनाश लेके आती है। तो हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट, किस प्रकार से हम इस विंड के फ्रेंड बन सकते हैं, ये अपन देखेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। देखो सबसे पहले विंड कम सॉफ्टली, क्या कह रहा है विंड यानी हे तेज हवा, हे विंड कम सॉफ्टली। कम सॉफ्टली का मतलब क्या है, वे धीरे चलो। सॉफ्टली का मतलब क्या है, आराम से, आराम से चलो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट ब्रेक यानी मत तोड़ो द शटर्स, शटर्स जो है जो खिड़कियां के बंद करने वाले जो है, ऑफ द विंडोज, खिड़कियों के शटर जो है उसके पर्दे जो है इनको आप मत तोड़ो। डोंट स्टेकर स्केटर द पेपर्स, डोंट स्टेकर स्केटर का मतलब है बिखेरना। डोंट स्केटर यानी मत बिखेरो द पेपर्स, कागजों को। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, डोंट थ्रो डाउन यानी मत गिराओ द बुक्स ऑन द सेल्फ, सेल्फ के अंदर जो बुक्स है उनको मत गिराओ। देयर लुक वॉट यू डिड, देखो वहां तुमने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन सबको गिरा दिया। You tore the pages of the books, तुमने उस books के pages को फाड़ दिया, किताबों के जो pages हैं उनको फाड़ दिया। You brought rain again, और तुम फिर से बारिश ले के आ गई। अब देखो इस स्टैंजा में कवि क्या कह रहा है कि वी हे विंड, तुम थोड़ी धीरे चलो, तुम्हारे कारण जो होने वाले, अब विंड के तेज विंड के कारण जो है नुकसान होने वाले उनमें है कि भी खिड़कियों के शटर्स जो है वो टूट जाते हैं, पेपर बिखर जाते हैं, किताबें नीचे गिर गई। और जब तेज हवा चलती है तो अपने साथ जो है बारिश भी, कहते हैं तूफान आता है तो साथ में बारिश भी आती है। तो यहाँ भी ये कह रहा है कि देखो ये क्या किया तुमने, फिर से बारिश लेके आ गई। You are very clever at poking fun at weaklings. अब ये क्या कह रहा है, You are यानी तुम हो very clever बहुत चतुर at poking fun यानी कि मजाक बनाने में at weaklings किसका, कमजोर चीजों का। भाई विंड से कह रहा है कि विंड तुम बड़ी चतुर हो, तुम बड़ी चालाक हो और तुम जो है तुम्हें मजा आता है कमजोर लोगों को अपना टारगेट बनाने के लिए। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, फ्रेल का मतलब कमजोर, क्रम्बलिंग का मतलब यूं हिलने वाले, जो बहुत ही मतलब उस विकट परिस्थिति में, दयनीय स्थिति में, ढहने वाले स्थिति में होने वाले हैं। तो जो कमजोर क्रम्बलिंग हाउसेज, ढहने वाले जो घर हैं, क्रम्बलिंग डोर्स जो चरमराने वाले जो दरवाजे हैं, क्रम्बलिंग राफ्टर्स और जो राफ्टर्स जहाँ के दरवाजों को फिट किया जाता है, वो जो फ्रेम बनाते हैं उस फ्रेम को कहेंगे या राफ्टर्स। तो वो जो राफ्टर्स हैं उनको भी तुम तोड़ देती हो। या दूसरा राफ्टर क्या होता है, जो राफ्टर नाविक वगैरह जो यूज़ करते हैं राफ्टिंग के लिए, वो भी एक राफ्टर है, उसका मीनिंग भी हो सकता है। इसके अलावा देखो क्रम्बलिंग वुड्स, जो वुड्स है जो जंगल है उसको भी तुम क्रम्बल कर लेते हो वुड को। क्रम्बलिंग बॉडीज यानी शरीर जो है उनको भी तुम, कमजोर बॉडीज है, कमजोर वुड है, क्रम्बलिंग लाइव्स कमजोर जीवन है, क्रम्बलिंग हार्ट्स और कमजोर हृदय जो है उनको तुम अपना निशाना बनाते हो। द विंड गॉट विनोज
विनो का मतलब क्या होता है? विनोविंग जो है, अपन जैसे फसल पकती है तो अपन उसको क्या करते हैं भाई, बाजरिया है या गेहूं है, उसको जब अपन आटा बनवाने के लिए जाते हैं, पिसाने के लिए ले जाते हैं, तो उससे पहले क्या करते हैं, उसके अंदर जो भी है उसको साफ करते हैं ना, तो वो विनोविंग के लिए जो यूज़ होता है, सूप जिसको कहते हैं हिंदी में, मारवाड़ी में जिसको छाजला कहते हैं, उसके अंदर डाल के उसको जो है इस तरीके से हवा में रखकर जो साफ करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, कचरा जो है, हल्की चीज़ें जो है वो उड़ जाती है। तो यहाँ भी ये क्या कह रहा है कि द विंड गॉड विनोज, यानी विंड गॉड जो है, यानी इस विंड के जो गॉड है, हवा के जो देवता है, विनोज उड़ा देते हैं, एंड क्रशेज देम ऑल, और उन सबको जो है क्रश कर देते हैं। यानी कि विंड किसको निशाना बनाती है, कमजोर चीजों को अपना टारगेट बनाती है, अपना निशाना बनाती है। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, और जो आप उसको बोलते हो वो आपका कहना नहीं मानती, यानी आपके कहने से वो नहीं रुकती। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। अब देखो यहाँ तो इसके विंड से होने वाले जो रिजल्ट्स हैं उनके बारे में बता दिया कि विंड्स जो है, विंड्स के कारण ये चीज़ें होती है, और वो किसको अपना टारगेट बनाती है, कमज़ोर चीज़ों को अपने टारगेट बनाती है, और वो अपना कहना तो मानती नहीं। तो अब अपने को क्या करना चाहिए, देखो, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, भाई आओ अब क्या करें, अपने घरों का निर्माण मजबूती से करें। भाई जो कमज़ोर घरों को उड़ा के ले जाती है, मजबूत घर को तो नहीं ले जा पाएगी ना, तो अपन क्या करें, अपने घरों को मजबूत बनाएं। लेट्स जॉइंट द डोर फर्मली, और जो डोर है, जो दरवाजे हैं, उनको फर्मली यानी दृढ़ता से उनको ज्वाइंट करें, यानी कि उनको भी मजबूती से ज्वाइंट करें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और अभ्यास करें अपने शरीर को फर्म बनाने के लिए, दृढ़ बनाने के लिए, अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए क्या करें, प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें अपने शरीर को जो है वो बनाने के लिए, फर्म बनाने के लिए। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, और अपने हृदय को भी दृढ़ बनाएं, अपने हृदय को मजबूत बनाएं। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये जो विंड है ये आपकी फ्रेंड बन जाती है। भैया कैसा करने से क्या क्या करना पड़ेगा आपको, भैया अगर आप अपने विंड को जो है, अब देखो ऊपर वाला जो स्ट्रेंजा है यहाँ पर जो है ये चीज़ें जो है हमें बताती है कि भाई यहाँ तक जो है उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है, जो परिणाम है, वो परिणाम ये बता रही है कि ये उड़ा ले जाती है। अब यहाँ ये बता रहा है कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि अपन जो है विंड को अपना फ्रेंड बनाए, तो अपने घरों को मजबूत बनाए, अपने दरवाजों को मजबूत बनाए, अपने शरीर को मजबूत बनाए, अपने हृदय को मजबूत बनाए। अगर ये सारी चीज़ें अपन करेंगे तो विंड क्या हो जाएगी, अपने फ्रेंड बन जाएगी। अब यहाँ क्या मतलब है कि भी कमज़ोर को हर कोई मजाक बनाता है, हर कोई अपना पहला टारगेट कमज़ोर को ही बनाता है, तो हमें कमज़ोर नहीं रहना है, ना शरीर से कमज़ोर रहना है, ना हृदय से कमज़ोर रहना है। हम भी अपनी कमजोरी को इस तरीके से जो है अपनी ताकत में बदल सकते हैं। द विंड ब्लोज आउट एंड ब्रेक फायर्स, अभी कह रहा विंड ब्लो, जब हवा चलती है, विंड ब्लोज आउट, ब्लोज आउट का मतलब बुझा देती है वीक फायर्स, यानी कि कमजोर आग को। भाई जब हवा चलती है, अगर आग जो है कमजोर आग है, तो उसको क्या करती है, हवा बुझा देती है, हवा के कारण वो आग बुझ जाती है। जैसे मान लो मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती को अपन फूंक मारते हैं तो वो क्या होती है, फूंक के साथ बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी लौ जो है कमजोर है। वहीं अगर चूल्हे में फूंक मारें तो क्या होगा, उसकी लौ जो है और ज्यादा जलेगी ना। तो इसी प्रकार से देखो यहाँ क्या है, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, भाई वो मजबूत आग को क्या करती है, और ज्यादा फैलाती है, और ज्यादा उसको ताकत प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, अब ये कह रहा है उसकी फ्रेंडशिप जो है अच्छी है, यानी जो विंड है उस विंड की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम उसको हमेशा क्या करते हैं, प्रेज करते हैं, पूजा करते हैं, वायुदेव के रूप में उसकी पूजा भी करते हैं। तो देखो ये सुब्रमण्य भारती की लिखी हुई जो पोएम है और ट्रांसलेट की गई है किसके द्वारा, तमिल से जो है, ए के रामानुजन जो है उन्होंने इसको तमिल से ट्रांसलेट किया है।
ठीक है, तो इस पोएम में हमें ये बताने का प्रयास किया है कि भाई जो विंड है, जो हवा है, वो हवा किस प्रकार से कमजोरों को अपना निशाना बनाती है, और हमें भी जो है अगर इसको अपना मित्र बनाना है तो हमें मजबूत बनना पड़ेगा, अपने अंदर दृढ़ता लानी पड़ेगी। अब वो दृढ़ता मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरीके से अपन अगर दृढ़ बनेंगे, मजबूत बनेंगे, तो ये विंड भी जो है हमारी फ्रेंड बन जाएगी। और इसने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ दिया है कि भी जिस प्रकार से कमज़ोर हवा को जो है, सॉरी, कमज़ोर आग को हवा बुझा देती है, लेकिन वही आग अगर मजबूत हो तो उसको और ज़्यादा फैलाती है। वैसे ही हम अगर कमज़ोर बनेंगे तो हम इसके शिकार बन जाएंगे, लेकिन हम अगर मजबूत बने तो ये हमारे फ्रेंड बनेंगे, और हमारी मजबूती, हमारी प्रसिद्धि, हमारी कामयाबी को और ज़्यादा आगे बढ़ाएगी। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज की इस पोएम को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली पोएम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।